नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा और कम समय लगे इसके लिए हमने इसे ऑडियो मोड में ही बनाया है जिसे आप सुन के बेहद आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, मनोविज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? और इसका उत्तर है विलियम जेम्स। अगला सवाल है, मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना? मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना? उत्तर है इसका वाटसन। अगला सवाल है, मनोविज्ञान अध्ययन है? इसका उत्तर है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। अगला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना है वह क्या है? वह इसका उत्तर है साइक जोर लोगोस। अगला सवाल है, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना? किसने कहा कि शिक्षा सर्वांगीण विकास का साधन है? इसका उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन थे? मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन थे? इसका उत्तर है पाम्पोनॉजी। अगला सवाल है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना? इसका उत्तर है वुंट वाइस और जेम्स ने। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? इसका उत्तर है वुंट। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है? उत्तर है व्यवहार का विज्ञान। अगला सवाल है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? और इसका उत्तर है फ्रायड। अगला सवाल है, मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? और इसका उत्तर है विने। अगला सवाल है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है? और इसका उत्तर है शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल। अगला सवाल है, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, यह परिभाषा किसकी है? उत्तर है इसका मन की। अगला सवाल है, मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? और इसका उत्तर है ग्रीक भाषा से। अगला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है? और उत्तर है इसका सीखना। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना? किसने कहा मनोविज्ञान विशुद्ध विज्ञान है? उत्तर है इसका जेम्स ड्रेवर ने। अगला सवाल है, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है वैलेंटाइन। अगला सवाल है, मनोविज्ञान है? इसका उत्तर है विधायकी विज्ञान। अगला सवाल है, मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? और इसका उत्तर है मानव जीव जंतुओं तथा संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन। अगला प्रश्न, व्यवहारवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? उत्तर है इसका वाटसन। अगला सवाल है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? और इसका उत्तर है रूसो ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है स्किनर ने। अगला प्रश्न है, कोसलनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किसे मानते हैं? उत्तर है इसका प्लेटो से। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार के चालक हैं, किसने कहा? इसका उत्तर है मैकडूगल। अगला सवाल है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है? उत्तर है इसका बाल केंद्रित मूल्यांकन और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है? उत्तर है इसका मूल प्रवृत्तियों अनुशासन और अधिगम। अगला सवाल है, शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है? इसका उत्तर है बालक। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्राप्त करके उसकी उन्नति में योग देता है, यह किसने कहा? इसका उत्तर है कुप्पू स्वामी ने।
अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? उत्तर है इसका वैज्ञानिक। अगला प्रश्न, शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है? उत्तर है शिक्षक, विषय वस्तु और समाज से। अगला प्रश्न है, शिक्षक मनोविज्ञान का उपयोग किसके लिए करता है? इसका उत्तर है स्वयं, बालक और अनुशासन के लिए। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? इसका उत्तर है छात्र और शिक्षक दोनों के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए? उत्तर है इसका, इससे वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है? उत्तर है इसका, शिक्षक, छात्र और अभिभावक। अगला प्रश्न है, अध्यापक वही सफल है जो, इसका उत्तर है बालकों की रुचि को जानता है। अगला प्रश्न है, कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार होगा? इसका उत्तर है निदानात्मक। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करती है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है क्रो व क्रो का। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यवान है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है उसे विद्यार्थी के बारे में ज्ञान मिलता है। और अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? उत्तर है इसका स्किनर। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना है। इससे संबंधित तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।